बहुत बड़ी बात है, स्पेशली एक इन्फ्लुएंसर. पहले तो हम टिकटॉकर थे, फिर उसके बाद एक स्टेप आगे पर इंस्टाग्राम पे आया, फिर यूट्यूब पे आया, और आज यहाँ पे आके बहुत खुशी है. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. नेवर एक्सपेक्टेड कि आप जब एक नॉर्मल चीज़ करते हो और आपको सडनली आपकी मेहनत के बाद इतनी बड़ी चीज़ मिल जाती है. तो आई थैंक गॉड एंड एवरी वन कि इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए. एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू गाइस. Hi, oh, chocolatey you. So it's all because of Zan. Zan used to watch all my reels, my big videos. Fan, man. Yeah, तो एक दिन ऐसे आया कि message and he called and then ऐसे ऐसे project किया. ऐसे ठीक है चलो देखते हैं. And then I'm here. तो वो बात बहुत कहाँ से कहाँ आप पहुँच गई just one DM पे. Thank you, Zan. I'm not 90s baby, but of course I've seen his film. और मैंने एक और फिल्म देखी है जो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी, जिसमें वो टाइगर बन जाते हैं. आई थिंक हम सबकी वो एक फेवरेट मूवी थी जिसमें वो टाइगर बन जाते हैं. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मूवी. और या आई लव हिज मूवी. इवन आशिकी वॉज ग्रेट. आज के टाइम पे इफ़ यू सी माई फ्रेंड्स, लाइक किसी ने झलक किया और कोई खतरों के खिलाड़ी कर रहा है, टुडे आई एम डूइंग अ फिल्म, तो हम लोग सब लोगों ने काफ़ी सालों की मेहनत करके आज हम यहाँ आए, तो वो बहुत बड़ी बात है. आई एम वी आर वेरी हैप्पी. सो फॉर मी एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, हम सब एक है सर. मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने कभी इसमें डिफरेंसेस किए नहीं है, बिकॉज वो भी एक कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हैं, हम भी एक कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हैं. वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. हम सारे एक्टर्स हैं, हम सारे आर्टिस्ट. फॉर मी वी ऑल आर आर्टिस्ट. इट्स अ क्रिएटिव वर्ल्ड, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड. वी ऑल इन टू वेरी क्रिएटिव एनर्जी. तो विथ मी सर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आप बहुत बड़े मूवी स्टार हो या आप टीवी के एक्टर हो. फॉर मी एक्टर इज एन एक्टर. इन्फ्लुएंसिंग में जब वो वीडियो बनाती है इतनी खूबसूरत खूबसूरत, कुछ कुछ ऐसे शॉर्ट्स देती हैं कि शायद मैं ज़िंदगी में ना कर पाऊँ, बींग एन एक्टर, जो भी आप बोलो. सो फॉर मी एवरी वन इज़ इक्वल. मेरे लिए सर ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम नॉट बाइज्ड एट ऑल. फॉर मी एवरीबडी इज़ द सेम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मुझे लगता है कि प्यार वाला जो शब्द है ना, वो कभी ख़त्म तो होता है, चाहे वो 2050 हो या उससे भी आगे हो. दुनिया जब तक है डिस्टेंस में प्यार तो रहेगा. लेकिन लोगों का जो नज़रिया है तरीके से देखते हैं वो. मुझे लगता है कि कंटेंट का ना, आप जॉनर की बात ना करें तो बेहतर कंटेंट लोग ढूंढ रहे हैं. वजह ये है, OTT आने की वजह से हाथ में ना पूरी दुनिया की फिल्में, चाहे ईरानी हॉलीवुड तो लोग देखते ही थे, लेकिन पूरी दुनिया की फिल्में ना हमारे हाथ में. बहुत खूबसूरत फिल्में हैं, कोरियन है, ईरानियन है, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्में बना रहे हैं. तो कंटेंट का एक तरह से यहाँ पे भरमार आ गया है. तो आपको चुनना पड़ेगा कुछ खूबसूरत से कंटेंट. फिल्म चलेगी, कंटेंट अच्छा होना चाहिए. आपने टीवी शो किया है, अच्छी बात है. आजकल काफ़ी सारे ऑनेस्टली मैं टीवी और फिल्म में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ फ्रॉम एकता कपूर मैम शो बालाजी. सो और जो मैंने शो किया है वो बहुत टिपिकल टीवी शो नहीं था. इट इज़ द सीज़न 2 ऑफ अ वेरी वेरी बिग शो, अ कल्ट शो, बड़े अच्छे लगते हैं. तो आई वॉज ऑनर्ड, आई हैड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मुझे उस शो का हिस्सा होने का मौका मिला. और डेफिनेटली हर एक एक्टर जो एक्टिंग को लेकर पैशनेट होता है, जिसको एक्टिंग से प्यार होता है, उसका अल्टीमेट गोल होता है कि उसे फिल्म करनी है. सो दैट्स हाउ वी एक्टर्स थिंक कि हमें फिल्म करनी है, बॉलीवुड, फिर हॉलीवुड, फिर टॉलीवुड. सो यू नो देर आर लॉट ऑफ गुड्स. सो आई थिंक मेरा तो डेस्टिनी था कि मैं सर के साथ जुड़ू और ये फिल्म करूँ, बिकॉज मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पर फाइनलाइज हुई हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए. मुझे लगता है कि ये होना था, शायद इसलिए हुआ है. कल ही, मतलब एक दिन पहले, जस्ट यू नो आई गॉट फाइनलाइज फॉर इट, एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ सॉफ्ट हार्ट, सच अ सॉफ्ट एंड सूदिंग एंड सच अ गुड जॉनरी, विच इज़ लाइक अ रोमांटिक फिल्म. इट्स वेरी एक्साइटेड. सो
क्या होता है कि कोई एक्टर प्रोड्यूसर बनता है तो उसको फिल्म मेकिंग के सारे पहले से खुद ही गुजर चुका होता है, उसने कि अपने वक्त में प्रोड्यूसर्स को परेशान किए होते हैं या डायरेक्टर को परेशान किए होते हैं, सारा एक्सपीरियंस है। और डायरेक्टर के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि उनको पता होता है कि क्या होना है, डायरेक्टर के पास सिर्फ इतना काम करने के लिए होता है, बाकी वो खुद समझता है। पर्दे पे अभी तो हमारे साथ एक OTT ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसके टेस्ट कंपनी पहले भी तैयार है, डीजी फ्लिक्स नाम है। उसके अलावा शूट की जहाँ तक बात है हम लोग का प्रोसेस में है, क्योंकि पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लंदन से, वीज़ा प्रोसेस में जैसे ही क्लियर होगा हम लोग अनाउंस कर देंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो अगले एक से डेढ़ महीने के अंदर फिल्म खुली है। सो राइट नाउ मैंने अभी एक वेब सीरीज कम्प्लीट की, दैट्स ऑल्सो अगेन फॉर न्यू प्लेटफॉर्म, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट्स बेस्ड ऑन अ रेप विक्टिम, अ गर्ल हु इज अ रेप विक्टिम एंड हाउ शी फाइट्स एंड इट्स अ रिवेंज स्टोरी। तो वो बस अभी कम्प्लीट की मैंने, और एक अमेजोन मिनी की एक फिल्म भी कर रही हूँ मैं साइमल्टेनियसली एंड दिस फिल्म। तो राहुल सर मेरे बहुत पुराने दोस्त हो चुके हैं, जब मतलब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो ये बहुत मॉडलिंग में मतलब बहुत ऊपर थे, तो हम बच्चे थे तभी, तो आई नो हिम सिंस देन, सिंस माय मॉडलिंग डेज, सिंस आई 16 इयर्स ओल्ड। सो ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड एंड वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई नो, बहुत ही मतलब बहुत प्यारे इंसान हैं, एंड मैं उनके साथ बहुत इवेंट्स इवेंट्स करती रहती हूँ और हम हमेशा टच में रहे हैं, दोस्त हैं, तो उनकी प्रोजेक्ट उनका प्रोजेक्ट है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है अपना प्रोजेक्ट करने का। नहीं राहुल जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनके साथ अभी हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म की थी, इज रियली वेरी नाइस, क्योंकि उनकी आश की फिल्म मैंने पता नहीं कितने बार देखी थी, उसमें एक्चुअली जो गाने थे जो गाने की वजह से मैंने बहुत बार देखी थी, नाइस प्रोडक्शन, और ये तो पहला उनका है। मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट, मैं चाहती हूँ कि राहुल जी के लिए अच्छी फिल्म बने और हम पूरी मेहनत करके अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जी, तो अच्छी बात तो है ही, वरना विमेन वर लाइक एक्सेसरीज के, जैसे पूरी पिक्चर आदमी का इंसान है और बुंदे डाल दिए छोटे वो औरत होती थी पिक्चर में, मतलब या तो झाड़ के आसपास उनको नचा दो, शॉर्ट स्कर्ट पहना दो, या यू नो इन्होंने तो फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो बोलूँगी जरीना जी ने जितना जितने अलग अलग तरीके के रोल्स किए, अभी होप कि हमें भी अभी बिकॉज ऑफ OTT हो सकता है वी गेट अ चांस टू यू नो डू दोस काइंड ऑफ। हाँ वो बहुत वो काफ़ी चेंज तो हो गया है थिएटर में, लोग आजकल जब से ये लॉकडाउन की वजह से लोग घर में बैठना शुरू कर दिए घर में, हाँ थोड़ा बनेंगे हम लोग ज़रूर, अच्छी अच्छी फिल्में आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, हमारी इंडस्ट्री नंबर वन है और हमेशा नंबर वन दिन वापस आएंगे ज़रूर आएंगे। थैंक यू सर। जो तौर पर लव जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको फिल्म फिल्म करके आज की कितनी कामयाबी थी जो अभी तक आपके लिए बोले कि लव इसी एक बड़े स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर। मैं आशिकी बहुत पहले मैंने की है, मैं आज भी हर वक्त बात को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे है ट्राई करता है, बट क्या हो गया है समी जो बहुत पहले से इसने बोला बट मेरे को उस टाइम पर समझ में नहीं आया, जैसे जैसे वो बोलने लगा मैं समझ कि ऐसा ही होना चाहिए, तो जैसे इन लोगों ने कुछ इन लोगों के साथ बोलने लगा तो मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कुछ किया और मैंने कुछ मैंने किया एंड थैंक यू, ये सब चीज़ें अभी होने लगा है एंड
चीज़ों को इकट्ठा करके मैं सब चीज़ें करूँगा एंड लंदन में भी मैं जाने वाला हूँ। लेकिन इस दौरान जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग नजरिया आप शायद आप दुखी हैं, नाराज हैं, आप मानते हैं कि हम बोगस वेल्थ विशेष काफी जो आपने कमेंट किया था इस चीज़ों से मेरे को क्या आना नहीं है मैं कुछ नहीं करना चाहता मेरे को अभी 21 साल हो गए हैं मेरे को मैं ये बार चीज़ हर चीज़ में इष्ट करना हो रहा मैं इन चीज़ों को मैं ज़्यादा करता नहीं जैसे जो लोग मेरे को करना चाह रहे हैं आई डेफिनेटली वॉन्ट देम और जितने लोग मेरे को डेफिनेटली मेरे को करते हैं तो उन्होंने आई विल डेफिनेटली डू दैट पर कुछ लोग हैं जो मेरे को बार बार मेरे को कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं तो ठीक है बता देंगे सर उनका जो प्यार था आंटी का जो प्यार था हमें वो उनको लगा कि प्यार मिल के आगे बढ़ाना चाहिए ठीक है सर। तो सबसे पहले हमारे ईपी साहब है कासिम अंसारी जी उनसे वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं उन्होंने जिया सर से डायरेक्ट से मिलाया डायरेक्टर साहब ने हमारे को स्टोरी सुनाई लव और लव स्टोरी थी बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी जो ये फिर हमने पूरी कास्टिंग देखो जो चलता है मूवी चलती है सॉन्ग्स अच्छे होने चाहिए कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है तो हमने राहुल जी थोड़े ये है कि भाई इनकी जो सिकनेस से उभर के अभी बाहर आए हैं तो वापस हमको ऊपर लाना है हम कैसे भी मिल गए मुकाम को पूरा करना है मुकाम तक पहुंचना है हमको तो ये जो स्टोरी है इतनी अच्छी स्टोरी है फिर हमने पहले कास्टिंग चुनी कास्टिंग के बाद में हमने फिर सॉन्ग के लिए पलक मुचल के भाई प्लास मुचल जी से बात करी तो बोला म्यूज़िक दे देंगे हमारा म्यूज़िक अच्छा होगा हमारी स्टोरी अच्छी होगी बस और आप लोगों का प्यार मोहब्बत से हम आगे बढ़ेंगे आज जो माहौल दिख रहा है वो आपकी वजह से हम खड़े हैं यहाँ पे बस क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना मीडिया आदमी को कहाँ तक ले जाती है हमको भी पता है और मीडिया गिरा भी देती है तो मीडिया के सामने हम कब पेश करेंगे सब काम सही है और अच्छा करेंगे तो आप हमको कुछ सवाल जवाब कर सकेंगे तो हमारी यही है कि हमारी स्टोरी अच्छी है हमारी चलेगी ऑडियंस को आज थोड़ा माहौल बहुत करोड़ों बहुत महंगी पिक्चर भी बनती है कभी फ्लॉप भी होती है तो हम ये चाहते हैं कि पिक्चर एकदम लेवल की हो कि मतलब ऑडियंस को कैसे थिएटर तक आने के लिए बोले ऐसी पिक्चर हम बनाएंगे और हमने कास्टिंग भी चुनी जो जान खान है रियल में एक्टर दिखते हैं लेकिन उन्होंने टीवी में ज़्यादा काम किया है फिर भी हमने उनको हीरो के तौर पर पेश किया तो उन्होंने भी बोला कि हम जान लगा देंगे हमारा नाम ही उनका जान खान है तो जान लगा देंगे वो सर वक्त बताया क्योंकि एक बार रिलीज़ हो जाएगी ना सर रिलीजिंग के पहले हम आपको ज़रूर वापस बुलाएंगे आपके साथ ही कॉन्फ्रेंस होगी हम आपको बताएंगे कि क्या करना बस अभी फर्स्ट हमारा जो टारगेट है बहुत अच्छी मूवी बने और आपका आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए बस मैं क्या बोलूं देखो राहुल जो हैं उनकी ये पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर और आप सब जानते हैं कि उनकी एज ए हीरो पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी आज तक यादगार फिल्म है वो तो मुझे ऐसा लगता है मेरी दिल से दुआ है कि एज ए प्रोड्यूसर भी उनकी जो पहली फिल्म है ये प्यार हो गया ये उतनी ही बड़ी हिट हो सर जैसे कि मैंने बोला पहले भी फिर वापस रिपीट करता हूँ कि एक एक्टर के लिए हम दिन रात जो मेहनत करते हैं वो इसी पल की मेहनत करते हैं कि आप सब हमारे सामने हो और हमसे ये सवाल किया जाए कि आपको लीड हीरो में सर कास्ट किया गया है और आपको कैसा लग रहा है तो आई एम फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ आई फील ब्लेस्ड आई एम सो हैप्पी दैट द मशहूर द लेजेंड हमारी इंडस्ट्री के रूमी जाफरी सर इज़ हियर विद अस उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा दिन है और मैं ये दिन अपनी ज़िंदगी का भूल नहीं पाऊंगा सर एंड आई फील रियली ग्रेट एंड आई फील ब्लेस्ड बेसिकली नहीं क्या है कि
फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, रिस्क तो हमेशा फिल्म बनाने अपने आप में रिस्क है, वो आज का दौर हो चाहे पुराना दौर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भूल भुलैया आई, उसने ही साबित किया कि ऐसी बात नहीं कि थिएटर में लोग नहीं आ रहे, या उससे पहले अपना लॉकडाउन के दौरान रूही आई थी जानवी की, वो उस टाइम पे चल गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म जो आएगी उन्हें लोग देखेंगे, हिंदी में लोग ने साउथ की डब फिल्म देख ली, इसका मतलब ये थिएटर में लोग आना चाहते हैं, बशर्ते पिक्चर बहुत अच्छी होना चाहिए कि वो मजबूर करे इंसान को कि वो अपने घर से लैपटॉप टीवी ओटीटी छोड़ के निकल के आए और थिएटर में आके फिल्म देख करें। मैं आपको बताऊँ, मेरा भी काफ़ी लंबा तजुर्बा हो गया, मुझे 35 साल हो गए इंडस्ट्री में। शुरू में हमने देखा जब VHS आया तो लगा रहे बाप रे लोग घर में पिक्चर देखेंगे, इंडस्ट्री खत्म हो गई, थिएटर में तारे डल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर TV आया, अरे लोग घर में बैठ के TV देख रहे हैं, चैनल क्यों देखेंगे, थिएटर का बिजनेस और बढ़ गया। उसके बाद LD आया, DVD आया, सब कुछ आया, अब OTT आया है। मुझे नहीं लगता कि थिएटर के बिजनेस को असर होने वाला है। फिल्मी बैकग्राउंड ऐसे लाइक मेरे कोई गॉडफादर या कुछ इंडस्ट्री में? सर गॉडफादर तो नहीं, जैसे मेरी इंस्पिरेशन है उम्मीद जाफरी सर। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उससे पहले, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। क्या है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे किस बात की है, इस बात की है कि मैं और ये शहर एक ही शहर से आते हैं, भोपाल से। और मैं भी जब बॉम्बे आया 80s में तो कुछ नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, लेकिन एक फोकस था, ऊपर वाले ने साथ दिया और जो भी आज यहाँ बैठा हूँ। इसकी भी खासियत यही है कि ये बॉम्बे आया, इतना काम कर लिया लेकिन मुझसे नहीं मिला, आज जब ये बन गया तब मुझसे मिला, तो इसको मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ। और इससे ये कॉन्फिडेंस बताता है कि अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है, और ये कॉन्फिडेंस को ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे ले गया। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ वेरी बिग थिंग आपने ये बोला। तो यही मैं बोलूँगा कि जैसे आपके शहरों से, हमारे मुल्क से जब लोग निकलते हैं, जैसे हमारे शहर से लोग सर, जब हम बड़े होते हैं तो देख के होते हैं आपकी सिक्योरिटी, यू लुक अप टू समवन कि मुझे आई वुड बी लाइक हिम, यू नो, वो खुद निकले अपनी मेहनत से आगे बढ़े, ना you know, he's made it big, he's meeting all the big people, working with all the big people from Amitabh Bachchan to Salman Khan to everyone in that, to they respect him, which is a very very big thing. And इस चीज़ में हमेशा मुझे सर ने इंस्पायर किया है मेहनत करने का, और मेरे हमेशा मैंने दिल में ये डाली थी कि कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बन जाऊँगा, जहाँ रूमी सर मुझसे बोले कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, जस्ट कीप डूइंग इट, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सॉरी मीडिया, मुझे याद आ रहा था, मैं इनको बता रहा था, आप सबको पता होगा, आप सब मीडिया वाले हो, आज से 25 साल पहले 24 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई थी और प्यार हो गया, जिसमें ऐश्वर्या को और बॉबी थे, नुसरत फतेह अली खान थे। और आज हुई है प्यार हो गया, जिसमें ये हैं और आलिया हैं। तो मैं उसका एक जावेद साहब ने जो हमने मुहूर्त किया था लीला पेंटर में, तो ऐश्वर्या से और बॉबी से बुलवाया था, और नुसरत फतेह अली खान ने, आपने शायद अभी इसको होगा सोशल मीडिया पर कहीं यूट्यूब पर, तो बड़ा अच्छा शेर लिखा था कि बॉबी और ऐश्वर्या आते हैं, बॉबी बोलता है एक मुसाफिर थे तुम एक मुसाफिर थे हम, अपनी राहें मिली और प्यार हो गया। ऐश्वर्या बोलती है तुम भी अनजान थे हम भी नादान थे, सिर्फ निगाहें मिली और प्यार हो गया। प्रभात।